हाय दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आज हम बात करेंगे पॉडकास्ट इन इंडिया के बारे में। तो इनका याद होगा हमने एक वीडियो बनाई थी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप सब जानते होंगे, मोस्ट ऑफ लोग नहीं जानते हो तो मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जिसका नाम है ट्रायोटेक। पॉडकास्ट इन इंडिया के बारे में बात करके चलते हैं। बहुत सारे लोगों को पॉडकास्ट पता ही नहीं है पॉडकास्ट होता क्या है। अमित बताओ पॉडकास्ट क्या होता है। पॉडकास्ट इज अ ऑडियो फॉर्म ऑफ लाइक कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं आप सब। तो जैसे आप वीडियो बनाते हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो भी सुन रहे हैं, आप ब्लॉग्स लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ आप ऑडियो सुन रहे हैं और इजी रहता है, उसी को हम पॉडकास्ट बोलते हैं सिंपल सीधी लेमन लैंग्वेज में। अब पॉडकास्ट इंडिया के अंदर इतना बड़ा नहीं है, आप वैसे बहुत सारे लोगों ने पॉडकास्ट के बारे में सुना ही नहीं होगा क्योंकि आप अभी तक यूट्यूब के लिए भी इतने नए हो। हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग यूट्यूब के बारे में भी नहीं जानते। पॉडकास्ट तो और ज्यादा नई चीज है। यूएस के अंदर सबसे बड़ा मार्केट शेयर है पॉडकास्ट का। अब पॉडकास्ट का असली एप्लीकेशन क्या है, कहां से बनता है? मेट्रो में सीट नहीं मिल रही, खड़े हुए अब यूट्यूब की वीडियो तो नहीं देखोगे ना, सबके पास महंगे फोन है, गिर गए तो स्क्रीन गई, 10,000 रुपए गए। इससे बढ़िया ऑडियो सुन लो, जैसे आप गाने सुनते हो, गाने सुन के टाइम पास करते हो, आज ऑडियो सुनो। 30-40 मिनट की पॉडकास्ट डले हुए मैंने देखे, ऐसे ये पॉडकास्ट डाल रहे हैं, मैंने अब तक डाला नहीं है, मैं डालना शुरू करने वाला हूँ। पॉडकास्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है, मतलब हो गया अभी 3-4 महीने से डाल रहा हूँ। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी नहीं हो पाता बिकॉज बहुत सारा काम रहता है भाई, आप जानते ही, तो इस वजह से। बाकी लेकिन आप सबको पता है गूगल का जो एल्गोरिदम है वो भी आजकल पॉडकास्ट को डिस्प्ले करता है, शो करता है सर्च रिजल्ट्स में। रिसेंट अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आई थिंक 2 हफ्ते पहले की बात है, तो न्यूज गूगल ने अनाउंस किया था कि विल शोइंग, मतलब हम पॉडकास्ट दिखा रहे हैं अब। तो ये अमेजिंग चीज है कि अगर आप सब भी पॉडकास्ट स्टार्ट करते हो तो अभी बूम पे है, मतलब सब स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर अभी करंट ऑडियंस की बात करके चले, इंडिया के अंदर जितने बड़े पॉडकास्टर्स हैं उनका मार्केट शेयर बाहर के लोग हैं। इंडिया का मार्केट शेयर इतना बड़ा नहीं है क्योंकि इंडिया के अंदर जो करंट ऑडियंस है वो पॉडकास्ट के लिए इतनी हैबिचुअल नहीं है, तो वो एनआरआईज को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। और अगर मैं स्टार्टिंग की बात करके चलूं, मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था पॉडकास्ट के ऊपर, तो 2006 के अंदर हमारे देश के अंदर 8,000 पॉडकास्टर्स थे, 2006 के अंदर, तब से काम चल रहा है। और सबसे ज्यादा उस टाइम पे डोमिनेंट लैंग्वेज थी तमिल, वहां पे तमिल के ऊपर वो ज्यादा फोकस करते थे। आज के टाइम पे इंग्लिश सबसे ज्यादा चल रही है, तो यहाँ पे अगर हम हमारी भाषा समझ में आ रही है आपको जो कि इंग्लिश ही है, तो आप शुरू कर सकते हो। इसके अंदर कुछ भी नहीं चाहिए, शक्ल भी नहीं चाहिए, अच्छा सेटअप नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस शुरू कर सकते। सेटअप के लिए कुछ भी नहीं है, आप अगर आराम से जैसे किसी, आप रात में उठे 1 बजे, आपका मन किया, आपने अपना फोन निकाला, आजकल का जो फोन के ऑडियो होते हैं इतने अच्छे होते हैं, आपको ईयरफोन की माइक की भी जरूरत नहीं है, निकाला जो भी दिमाग में आया, आपने 5 मिनट बोला, अपलोड कर दिया, खत्म कहानी, सो गए सुबह उठ के, उसको आप देखो, चाहे उसको जहां मर्जी आप पब्लिश करो, आपके ऊपर है, बहुत इजी रहता है। सेटअप का कोई इतना बड़ा सीन नहीं है यहाँ पे। और जैसे आजकल कैसे बूम आ रहा है इसमें कि आप सबने देखा होगा, आप सॉन्ग सुनते हैं, सॉन्ग्स की एप्स हैं, अभी सावन हो गया जिसको जियो ने खरीद लिया, स्पॉटिफाई इंडिया में आ गया है, उसके बाद गाना.com था, तो सावन पे भी आपने देखा होगा तो कुछ ओरिजिनल्स आते थे, लाइक नीलेश मिश्रा के ओरिजिनल थे, वो स्टोरीज सुनाते थे। मैंने कोई भूत वाली कहानियां भी सुनी थी सावन के ऊपर, बिल्कुल कोई हॉरर टेल्स थी, वो भी तो पॉडकास्ट ही था एक तरह से। आजकल सब स्टोरीज ही है, सब स्टोरीज, सब कहानी सुनाते हैं, तो वहां पे भी पॉडकास्ट को लोग ऐसे एक IVR पॉडकास्ट करके आता है। अच्छा, मतलब ये एक कंपनी है, उनकी वेबसाइट भी है, पूरा सिर्फ वो पॉडकास्टिंग में ही काम करते हैं। तो इसीलिए जो जमाना है वो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, पॉडकास्ट लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप सबको भी करना चाहिए, बूमिंग इंडस्ट्री। अब कंटेंट बना लिया हमने, रात को उठ के ऑडियो रिकॉर्ड कर ली कहीं पे भी हमने, रात को तो कहीं पे भी हमने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, अब हमारे पास ऑडियो आ गई, उसका क्या करें, कहां डालें उसको? अब उसके लिए anchor.fm एक वेबसाइट है, anchor.fm, उस पे जाइए, आप सिंपल से अपलोड कर सकते हैं, उसमें इंट्रो के लाइक छोटे छोटे क्लिप्स भी होते हैं, अगर आप चाहें तो इंट्रो भी वहीं से लगा सकते हैं। अच्छा, इंट्रो के भी म्यूजिक और मतलब कॉपीराइटेड फ्री है, ऐसा कुछ नहीं कि कॉपीराइट आएगा, इंट्रो लगा लो, बीच में से ऑडियो कट भी कर लो, एडिटिंग का भी ऑप्शन है, एडिटिंग का मतलब इतना वास्ट नहीं बट नॉर्मल एडिटिंग, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन रहता है कि आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, अगर आपके पास फोन नहीं है, आप डेस्कटॉप लेके बैठे हैं, तो आप उसमें रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन है, रिकॉर्ड का बटन दबाइए, पूरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करिए, पब्लिश कर दो वहीं से। अब उसमें ऐसा भी ऑप्शन है कि अगर स्पॉन्सरशिप्स भी आप लगा सकते हो, बट वो फीचर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज अगर आप आईडी यूएस की बनाए तो दैट इज देयर कॉल, क्योंकि वो स्ट्रिप से ज्वाइन होता है जो पेमेंट गेटवे है। अच्छा, ओके, तो अगर इंडिया में तो अभी आया नहीं है वैसे ऑफिशियली, बट जब सोचो स्पॉटिफाई इंडिया में आ गया है, उसके बाद फिर anchor.fm इंडिया में काम कर रहा है, बहुत
ज्यादा टाइम नहीं है इसमें, नाम से एफएम से मेरे को वही दिमाग में आ रहा है जैसे रेडियो वाले थे, इतने टाइम से रेडियो के शो तो चल ही रहे हैं ना, बिल्कुल आज तो वो एक तरह से पॉडकास्ट ही तो है। हाँ वही पॉडकास्ट ही है, बस क्या है वो अभी लाइव चल रहा है, हमने प्री रिकॉर्डेड एजुकेशनल कंटेंट उठा लिया, फिर किसी भी कैटेगरी का कंटेंट उठा लिया, इंटरव्यूज भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं इसके अंदर, इंटरव्यूज भी बहुत होते हैं, सिंपल सीधा रहता है, अगर आप वीडियोस बनाते हो वीडियो का ऑडियो कट करो, ऑनलाइन जाओ वीडियो टू ऑडियो या वीडियो टू MP3 सर्च करो, अपनी जो वीडियो अपलोड करो, ऑडियो कट करो, MP3 डाउनलोड करो, अपलोड कर दो। ऐसे मेरी टीम भी करती थी ऐसे, हमने तो पॉडकास्ट शुरू किया है, उन्होंने क्या किया था यही शायद anchor.fm पे उन्होंने मेरी वीडियो डाउनलोड करी, ऑडियो निकाला, अपलोड कर दिया क्योंकि उससे बैकलिंक बनते हैं। हाँ, और वो डू फॉलो बैकलिंक, हाँ, वो डू फॉलो बैकलिंक बनते हैं, तो बैकलिंक बनाने के लिए यूज करते थे, उसके डिस्क्रिप्शन में सारी वेबसाइट के लिंक आप दे सकते हो अपने, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो उस टाइम मेरी टीम इसलिए यूज करती थी, पर अब मैं डेडिकेटेडली मोटिवेटेड हूं, मैं थोड़ा सा और भी चीजों के बारे में पता लगा, तो मैं कोशिश करूंगा हफ्ते का एक अच्छा पॉडकास्ट रखूं, ओरिजिनल कंटेंट, जो कि कंटेंट कहीं और नहीं जाएगा, सिर्फ उसी पॉडकास्ट पे जाएगा, ट्राई करके देखते हैं, 10-20 डाल के देखते हैं कि लोग जुड़ते हैं या फिर नहीं जुड़ते, अब पैसे कैसे कमाऊं। हाँ मेन तो वही था, मैं भी बोलने वाला था पैसे कैसे कमाऊं। तो देखो क्या होता है कि एक्चुअली जो आप सब अगर ऑफिशियली anchor.fm में जा रहे हैं और आप सोचते हैं कि वहां से हमको पैसा मिलेगा, तो anchor.fm आपको बोलता है कि आप उनको प्रमोट कर सकते हो एंकर को, तो लाइक आपके वीडियो के स्टार्टिंग में आपने 10 सेकंड या 15 सेकंड उनके बारे में बोल दिया, तो उसमें ऑप्शन होता है, आपने क्लिक किया और ऐड कर दिया तो $15 आपको मिल जाते हैं, और मैंने कभी ट्राई नहीं किया बट वो ऑप्शन दिखता है वहां पे, पहले बता दूं आपको। और जो दूसरे मेथड्स हैं कि लाइक अगर आप कंटेंट जनरेट करते हैं इंटरनेट पे, वीडियो हो, टेक्स्ट हो या फिर आप ऑडियो है, तो जो पैकेज सेंड करते हैं, मतलब हम विल प्रमोट योर ब्रांड ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स, तो उनको आप बोल सकते हो कि हम ऑडियो में भी आपका इंक्लूड करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट बेसिकली ऐड बोल देंगे, जैसे रेडियोस के बीच में ऐड आती है, पहले इस्तेमाल करे बेल दिया। और हाँ, अगर एंकर वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, $15 देते हो, मैं अपना एंकर पे बनाऊंगा, मेरा प्रमोट कर देना, देखो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हाँ ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, अब मैं जब डालूंगा अगर एंकर वाले देख रहे हो तो प्रमोट कर देना, इस वीडियो को भी प्रमोट कर देना और मेरे चैनल को भी प्रमोट कर देना, वो तो अच्छी बात है। उसके साथ साथ एक बेस्ट पार्ट ये होता है एंकर पे कि आप सिर्फ anchor.fm पे अपनी पॉडकास्ट डालो, वो आपकी पॉडकास्ट सब जगह वो मतलब फैला देता है, चाहे वो गूगल पॉडकास्ट हो, उसके बाद फिर स्पॉटिफाई हो, देन उसके बाद एक स्टिचर होता है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ एंकर ने टाइप किया है, वन क्लिक पब्लिश, वन क्लिक सारे और प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली आप विजिबल हो जाओगे, ये सिंक हो जाता है मतलब ऑटोमेटिकली। यूजर नेम लेना पड़ेगा अपने को? कुछ कुछ नहीं लेना है, सिर्फ एंकर पे डालो, सब जगह अपने आप आपका पॉपुलेट हो जाएगा। गुड, तो दैट इज बेस्ट टू गेन योर रीच, रीच बढ़ाने के लिए बेस्ट। तो अब फ्यूचर क्या है इंडिया के अंदर, उसके बारे में बात करके चलते हैं। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, जितना मैंने इसके बारे में सुना, बहुत टाइम से सुन रहा था पॉडकास्ट, अभी करेंटली उतना बड़ा मार्केट शेयर नहीं है, पर टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है। मैं अभी ऑडियो बुक्स पे स्विच हो चुका हूँ, मैं ऑडियो बुक्स भी तो एक तरह का पॉडकास्ट ही है, वही वही, पहले मैं बुक्स पढ़ना पसंद करता था, फिर मैंने ऑडियो बुक शुरू कर दी, अब वही सेम चीज है, पर अब क्या हो रहा है, अगर मैं कहीं पे ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं उस टाइम को प्रोडक्टिव कर सकता हूँ, मैं जिम कर रहा हूँ, कई लोग कहते हैं जिम के टाइम पे आप पढ़ नहीं सकते, पर मैं पढ़ता हूँ, ब्रेक में जो इंटरवल्स आते हैं उसके बीच में आप पढ़ सकते हो, तो मैं तो बेसिकली मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को नया पता लगा होगा, तो आप भी नई फील्ड की तरफ जाओगे, रात को नींद नहीं आ रही, एक पॉडकास्ट लगा के आंखें बंद करके सो गए, ईयरफोन सुनते रहे, कुछ नया सीखने को मिल गया। लर्निंग के अलावा बाकी चीजें भी होती है पॉडकास्ट पे, या सिर्फ लर्निंग ही फोकस है मेजर? यहाँ पे स्टोरीज होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप डाल सको, मतलब इट्स अ कंटेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म, कंटेंट आपको जनरेट करना है, और आपको पता है कि कंटेंट है तो पैसा है ना, तो जोक्स भी चलते हैं, ह्यूमर भी चलता है, जो भी आप कर सको आपके ऊपर है। अच्छा गुड, मतलब आइडियाज अपने पास, क्रिएटिविटी को यूज करो और नेक्स्ट लेवल ले जाओ इस चीज को। Spotify डाउनलोड करो, आराम से पॉडकास्ट सेक्शन में जाओ, आपको आइडियाज लग जाएंगे क्या क्या लोग बनाते हैं। आई बटन में डाल रहा हूँ, बताओ पॉडकास्ट आपने पहले यूज किया है या फिर नहीं किया? तो चलो, आपने एक सेटअप के बारे में तो बता दिया जो फोन वाला सेटअप है, कुछ प्रोफेशनल सेटअप्स भी होते हैं अगर हम ग्रो करते हैं। प्रोफेशनल थोड़ा सा होता है कि आपको साउंड प्रूफ रूम चाहिए, ठीक है, लाइक ऐसा रूम जहाँ पे कोई और बाहर गाड़ियां वाड़ियां ना जा रही हो, नहीं तो आजकल लोग सब करते हैं, बोल देते हैं स्टार्टिंग में, बोल दो कि मेरा घर इसके रोड के बगल में चलता है, मेन कंटेंट मैटर करता है, ठीक है। तो अगर जो प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशनली करना चाह रहे हैं, तो नॉर्मल एक माइक खरीद लो अच्छा खासा, ठीक है, बोया हम यूज कर रहे हैं इस वीडियो के लिए। तो आप बोया भी खरीद सकते हो, नहीं तो बहुत सारे माइक्स आते हैं अच्छे, फोन से भी वैसे अच्छा खासा हो सकता है, फोन से एक नंबर, फोन इज द बेस्ट, उसका ऑडियो मैं तो
यूज करता हूँ MI के फोन्स का, मतलब मस्त लगता है मुझे। और यहाँ पे एक और टेक्निक है मेरे दिमाग में जो कि चल सकती है मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया ऑडियो फॉर्म में, उसी की मैंने वीडियो बना दी, आगे वीडियो स्क्राइब लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, कोई भी एनिमेटेड वीडियो बना दी, तो YouTube पे भी आ गया मैं, सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी आ गया मैं, एक ब्लॉग बना रहता हूँ उसी ऑडियो का ट्रांसलेट करके इंग्लिश के अंदर, वही ब्लॉग बना दिया, नीचे ही वो पॉडकास्ट डाल दी, नीचे ही वीडियो का लिंक डाल दिया, तो ओमनी चैनल मार्केटिंग हो गई। वो ब्लॉग से भी हमारे को रीच कर सकता है, अगर YouTube पे पहुंचेगा तो भी हमको रीच कर सकता है, और ऑडियो पे पहुंचेगा तो भी रीच कर सकता है, तो तीनों प्लेटफॉर्म को एक ही कंटेंट को तीनों प्लेटफॉर्म पे भेज दिया। अगर आप लाइक इंग्लिश में पॉडकास्ट कर रहे हैं तो एक तरह से आपका जो भी आपने कंटेंट लिखा उसको आप नरेट कर सकते हैं, उसको मतलब आप सोच रहे हो कि पॉडकास्ट बनाओ इसे, जो भी कंटेंट आपने लिखा है खोलो उसको पढ़ो और टॉप पे लगा दो अपनी पॉडकास्ट, मतलब पॉडकास्ट भी सुन रहा बंदा पढ़ भी रहा है, तो उससे आपका ड्यूअल टाइम भी बढ़ेगा वेबसाइट पे अच्छी खासी, सही बात, आपका ट्रैफिक भी बढ़ने के चांसेस है। और इसके अंदर क्या पॉडकास्ट के अंदर इंटोनेशन के ऊपर काम होना चाहिए, मतलब जैसे कि अभी मैं लाउड बोलता हूँ स्लो बोलता हूँ, मेरी आवाज के अंदर टेक्सचर है, क्या मुझे इस चीज की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या फिर ऐसे शुरू कर दो करते करते आ जाएगा, यूट्यूब वाला सीन है। देखो अगर जो हम सब की बात करो यार, हम सब इतना कुछ दिखाते नहीं कि वी आर सो प्रोफेशनल समथिंग, जो आता है सो आता है, अगर हम अच्छे है तो भी आप भी देख रहे हो, अगर बुरे है तो भी आप देख रहे हो, है ना, बुरे होते हैं तो आप सब गाइड करते हो कि नहीं, वो जब ऑडियंस हमें बताती है तो उसको इम्प्रूव करते हैं हम सब, बट अपने हिसाब से 100% दो जो आपके लिए बेस्ट है, मतलब कोई ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, टाइम टू टाइम आता रहता है, बिल्कुल यार सब चलता है। 10 मिनट की ऑडियो रिकॉर्ड करने में कितना टाइम लगता है लमसम, मतलब 10 मिनट ही लगना चाहिए। अच्छा एक बार एक बूम में हो जाता है, ये कट जाते हैं एक बूम, मतलब एक बार में नहीं होता है, ठीक है। मेरे साथ तो क्या होता है कि अगर मैं कभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कभी दिमाग में कभी कोई और ख्याल आ गया तो वहां चले गए, मतलब जो फ्लो होता है वो टूट जाता है, तो कट अच्छा। करना पड़ता है बेस्ट। तो मतलब अगर आप 5 मिनट की ऑडियो रिकॉर्ड करते हो, जितना मुझे लग रहा है जो बताने की कोशिश नहीं कर रहे, 20 मिनट एक्सपेक्ट करके चलो 5 मिनट की ऑडियो के लिए स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कट्स बहुत ज्यादा आएंगे, और यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत क्या है, कट दिखाई नहीं देंगे। वीडियो में तो कट दिखाई देते हैं, पता लगता है कट हो गया या नहीं हुआ, पर वहां पे तो कट का पता ही नहीं लगता। ये भी थोड़ा ध्यान रखो कि आपका जो उनको ऑडियो दे रहे हैं एक्सपीरियंस, उसमें एको ना आए। सबसे हाँ। बड़ी गंदी बात ये होती है कि एको आता है तो बंदा, चाहे वो वीडियो का भी ऑडियो हो या फिर आपका ऑडियो का ही और पॉडकास्ट का ऑडियो, तो एको आता है तो यूजर इंटरेस्ट नहीं लेता है कि भाई हाँ, क्योंकि ऑडियो ही तो है इसमें, तो एक बार को वीडियो ऑडियो दोनों मिल रहा, तो बंदा एक बार को वीडियो अच्छी होगी ऑडियो एवरेज मीडियोकर होगी बंदा मान जाएगा, पर वो तो सिर्फ ऑडियो के सुनने के लिए आया, और वो भी अच्छे नहीं होगी तो एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। लोग अब क्या कुछ ट्राई करते हैं कि लाइक जो आपका ऑडियो है उसको और अच्छा करने के लिए एडिट करते हैं, तो एडिट करने के चाहे वो लाइक बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, उसमें थोड़ा सा इक्विलाइजर में चेंज करते हैं, तो मत करो भाई, वो एक्सपीरियंस खराब हो जाता है बंदे का। अगर ऑडियो अच्छी है तो मत छेड़ो, और बुरी है तो डालो ही मत, सिंपल सीधी सी बात। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा आज के सेशन में, सब कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना ये वीडियो कैसी लगी, और पॉडकास्ट के रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में थॉट है नीचे कमेंट में बताओ, और इनको पॉडकास्ट पे फॉलो कर लो, मुझे भी फॉलो कर लो, मुझे भी फॉलो कर लो, अभी मैंने शुरू नहीं किया पर मैं करूंगा, अगर अभी तक शुरू कर चुका हूँ वीडियो लाइव करने के टाइम पे तो मेरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाय, गुड नाइट, शब अगर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, अब भी कर दो भाई। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे इन फ्यूचर वीडियोज में, तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, टेक केयर, गुड बाय। हाय दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना, और मेरा नाम है मेरा नाम है आमित मिश्रा, दोबारा से ठीक है।